आज मैंने फिर यानी साइंस टॉप 30 का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए ये सारे जो जितने भी टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन है आज के वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। और एक और बात कि अगर आप इस जो भी ये पूरा वीडियो है, अगर इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाके पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर का भी वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम से भी उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ सिंपली यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे पास टोटल आज का है 30 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन ये है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पे जो बायोगैस से है इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के नेक्स्ट टू नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एस्प्रिक को किस रासायनिक रूप से जाना जाता है, जो एस्प्रिक होता है उसको हम लोग किस रासायनिक से, मतलब किस रासायनिक के रूप में हम लोग जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा राइट आंसर, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को हम लोग एस्प्रिक को इसी रासायनिक रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री भी यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे जरा, क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है और लेवल सही है सारे क्वेश्चनों का, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे कि जल तथा अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, जल तथा अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आसवन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आसवन के द्वारा जल तथा अल्कोहल को यानी दोनों को मिश्रण पृथक किया जा सकता है आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, किसके द्वारा वायुमंडल के प्रदूषित होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत ही आसान है और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, बन सकते हैं नहीं पूछा जा चुका है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को मैंने आपको फिर से दोबारा रिपीट करा रहा हूं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखते रहेंगे और याद करते चलिएगा कि किसके द्वारा वायुमंडल के प्रदूषित होने की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो ये जो प्रदूषित होने वाली जो अम्ल है, उस अम्ल वर्षा होती है, तो ये जो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब होती है, प्रदूषित होता है तब अम्ल होता है, यानी सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, सल्फर तथा नाइट्रोजन जब वायुमंडल में प्रदूषित हो जाता है तो अम्ल की वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर फाइव ये है कि निम्न में से कौन जैव निर्मीय है, निम्न में से कौन जैव निर्मीय है। तो बता दूं जो कागज है ना, एक तरह से जैव निर्मीय है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, कागज क्या है, एक जैव निर्मीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपको पहले ध्यान से यहाँ पे पढ़ना होगा कि क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि किसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव का निर्माण होता है, किसकी अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव का निर्माण होता है। तो ये होता है आपको नाइट्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, यानी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो होता है इसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति हरित गृह प्रभाव का निर्माण होता है। तो इसको भी आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कि वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है किंतु जिसका निर्माण कृत्रिम तरीके से किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाला एग्जाम्स होगा उसमें आपको बिल्कुल
बिल्कुल यही आसान हो जाएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्स का पार्ट्स बन सकता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन अपने अंदर एब्जर्व कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। मेरा यही कहना है कि जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसमें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है किंतु जिसका निर्माण कृत्रिम तरीके से किया जाता है वह क्या है? तो आपको बता दूं, जो वह है प्लूटोनियम। क्या है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्लूटोनियम। ये क्या है? एक प्लूटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को सही से सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो क्लोरोफॉर्म है उसे हम चेतनालोपी में, चेतनालोपी के रूप में हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, चेतनालोपी के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्या है? लोहे अयस्क से लोहे निर्माण में, यानी लोहे अयस्क से लोहे निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो ये बता दूं, जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूनन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, न्यूनन प्रक्रिया इसमें शामिल है। जो लोहे अयस्क से लोहे निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? न्यूनन, न्यूनन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उच्च मात्रा में सांद्रण की वजह से निम्न में से क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उच्च मात्रा में सांद्रण की वजह से निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से जो होता है वो सुपोषण होता है। क्या होता है? सुपोषण होता है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के उच्च मात्रा में, सुपोषण वजह से निम्न में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक लिफाफा है। बात सही है, जो पृथ्वी का एक वायुमंडल है ये क्या है? एक तरह से ये लिफाफा है, लिफाफा है जिनका विस्तार किस ऊंचाई तक है। इसका जो है, इसका ऊंचाई किस तर कितना है, यही पूछा जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो ये टोटल 200 किलोमीटर का ऊंचाई है। कितना है? 200 किलोमीटर का, ये आपको याद रखना होगा। ये किलोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि सिल्वर नाइट्रेट अपनी अभिक्रिया में किस गुण को दर्शाता है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है अपनी अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण गुण ही जो है वो दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकरण गुण सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट अपनी ही अभिक्रिया में गुण यानी ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मुख्य स्रोत जो है परिवहन है। कार्बन मोनोऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? जैसे आप ये पहले मोनोऑक्साइड का बात करते हैं, तो जो भी हमारे पास गाड़ियां चलती हैं वो कौन सी गैस छोड़ती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ती है ना। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो परिवहन। जो भी परिवहन चलती है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत यही है परिवहन। ईंधन तो हो नहीं सकता, दहन हो नहीं सकता, औद्योगिक प्रक्रिया हो नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान से देखेंगे कि संश्लेषित अपमार्जकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, किससे किया जाता है? जो संश्लेषित अपमार्जक होता है उसका निर्माण हम किससे किया करते हैं? तो वो जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण से, किसके? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण से हमको इसका जो है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता क्या है? तो ये अनुमत सांद्रता है ये आपको टोटल 200 है। कितनी है? 200। ये भी आपको याद रखना है यूनिट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत फ्यूज किसका मिश्र धातु है। जो विद्युत फ्यूज है वो किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का जो है मिश्र धातु है विद्युत फ्यूज, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 17 नंबर प्रश्न ये है कि कृत्रिम वर्षा हेतु मेघवीजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? कृत्रिम वर्षा हेतु मेघवीजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर, सिल्वर डायोडाइड ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सिल्वरी रंगों में उपस्थित मुख्य घटक होता है। सिल्वरी रंगों में उपस्थित मुख्य घटक होता है, तो जो सिल्वरी रंगों में जो उपस्थित है उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो यहाँ पे जो मुख्य घटक हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम चूर्ण का, जो है मूल मुख्य घटक है एल्युमिनियम चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस निम्न में से कौन सा है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? एक हरित गृह गैस है। हीलियम तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन हो नहीं सकता, सल्फर डाइऑक्साइड हो नहीं सकता, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक क्या है? हरित गृह गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त वह सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़ लेंगे कि मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण होता है? मोम मोम यहाँ पे हो जाएगा, मोम मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम में रासायनिक रूप का मिश्रण होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 21 नंबर ये है कि भोपाल त्रासदी में शामिल गैस थी, जो भोपाल त्रासदी है उसमें एक गैस शामिल थी जो मिसयूज हो गया था, जो फट गया था, उस गैस का नाम क्या है? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है भोपाल त्रासदी गैस, इसी में एक ये गैस आपको विस्फोट कर गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर ये है कि प्रकाश ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू की जाती है यानी सिर्फ प्रकाश के ही द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रकाश के ही द्वारा की जाएगी ना। प्रकाश ऑक्सीजन जब प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए प्रकाश द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे कि किसके क्षय के वजह से परावैगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है। किसके क्षय से वजह से मतलब किसके क्षय की वजह से परावैगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है? तो ये जो ओजोन जो है इसी की वजह से जो है परावैगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है, ओजोन की वजह से। किसकी वजह से? ओजोन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकाला जाता है तो उसे हम जल मृदुलीकरण कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है आपको सी में, सी राइट आंसर हो जाएगा, जल मृदुलीकरण प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन ये है कि माचिस की तिल्ली को नोक पर रहता है। माचिस की जो तिल्ली होती है वो नोक पर रहता है, वो मतलब किस चीज का होता है? नोक पर तो जो तिल्ली रहता है वो किस चीज का होता है? वो होता है पोटेशियम क्लोरेट के, कौन? पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। जो माचिस के नोक में जो तिल्ली होती है वो पोटेशियम क्लोरेट का होता है। और जो जो यहाँ पे लाल सफेद जो लाल फास्फोरस है ये क्या है? तो ये बता दूं कि जो माचिस के जैसे यहाँ पे जैसे डब्बी होती है और इस डब्बी के नीचे साइड से जो ये बनाया रहता है स्क्रैच होने के लिए, ये जो रेड कलर का दिखता है ये सो हम क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस। अगर इस पे किसी माचिस का तिल्ली अगर यहाँ पे घर्षण करते हैं तो ये क्या होता है? जलने लगता है। इसलिए इसको जो ये वाला पार्ट्स है इसको हम लाल फास्फोरस कहते हैं, जो लाल फास्फोरस से बना होता है, और जो माचिस के नोक पे जो तिल्ली लगी रहती है उसको हम पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बेहद लचकदार होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ बेहद
कदार होता है, तो ये होता है आपको चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होता है, एक बेहद क्या होता है, लचकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है। एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो ये सीजीएम के जो संक्रमण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर ज्वलनशील होती है, जो एक गैस होती है जो क्या होती है, ज्वलनशील होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन गैस जो है एक तरह क्या है, ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 29 नंबर। 29 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी धातु है हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी धातुएं हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वो है कैडमियम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कैडमियम जो है अभिक्रिया नहीं करती है जल के साथ। पोटेशियम तो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी, सोडियम भी कर लेता है, हीलियम भी कर लेता है, लेकिन जो कैडमियम है ये नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली देखेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि ओजोन में शामिल है, ओजोन में क्या शामिल होता है, तो ओजोन में सिर्फ आपको ऑक्सीजन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन जो है ओजोन में शामिल होता है। तो ये रहा आज का आपका लास्ट 30 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्त।